अरे अरे भाई, क्या हो गया एंटॉर्क में यार? आपकी एंटॉर्क में क्या हो गया? इंजन सीज हो गया। क्या क्या क्या? इंजन सीज हो गया। एक मिनट, दोबारा बोलना। अरे भाई, इंजन सीज हो गया यार। अरे मतलब यार, इतनी बढ़िया स्कूटी है, इंजन कैसे सीज हो गया? बढ़िया बढ़िया है भाई, इसका इंजन की बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार है यार। यार मतलब बिल्ड क्वालिटी सुनिए, बॉडी की बिल्ड क्वालिटी खराब होती है, मिरर की बिल्ड क्वालिटी खराब होती है, इंजन की बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत ज्यादा इंजन ऑयल पीता है ये। अच्छा, ओके। मतलब गया था, आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। कहाँ? रोहिणी से पीतमपुरा? पागल है क्या, इतने नजदीक में थोड़ा हो जाएगा यार। दूर गया था काफी, लेकिन यार आधे रास्ते में ही ये स्कूटी सीज हो गई है। मतलब क्या, हाईवे वगैरह पर चला रहे थे क्या इसको? हाँ, तो उस टाइम पे तो उसके तो सारी स्कूटी यार सीज हो जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया होगा यार आपने? प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया होगा भाई? मैं बहुत टाइम से राइड कर रहा हूँ, आज की बात नहीं है, ठीक है भाई? यार मतलब ऐसे तो यार, स्कूटी मेरे पास भी एंटॉर्क ही है, मेरे में तो आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं आएगी, लेकिन मेरे पास आ गई है भाई। मेरे से क्या बोल रहे हैं आप तू? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बिल्ड क्वालिटी खराब है? बिल्कुल भाई। अरे राइड पे यार, राइड करता हूँ यार मैं, धार्मिक राइडर के नाम से चैनल है मेरा यार, सर्च कर लो। अरे होगा यार, दिमाग मत खा भाई। वैसे मेरे को अभी घर जाके कबाड़ा फेंकनी है, बाइक खरीद रहा हूँ। बाइक खरीद रहे हो? अरे यार बहुत बढ़िया, बाइक खरीद रहे हो तो मतलब एंटॉर्क आपके लिए कुछ बिल्कुल वर्थ नहीं रही ना भाई? यहाँ पर गई है मैकेनिक की दुकान पर। मैकेनिक वैकेनिक तो नहीं है, बट बस छोटी सी एक दिमाग में बात आ रही थी कि इंजन की बिल्ड क्वालिटी जो आप बात बोल रहे हो, थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रही हो। मुझे लग रहा है आपकी गलती के हिसाब गलती की वजह से ख़राब हुई है ये। अरे भाई, अब तू मुझे सिखाएगा क्या यार? बोल तो रहा हूँ यार, बहुत टाइम से राइडिंग कर रहा हूँ यार, बहुत दूर दूर जाता हूँ, अब खराब होगी तो होगी खराब, बोल रहा हूँ। जब तक मतलब आपने तेज चलाई होगी, आपने रेस्ट नहीं दिया होगा, तभी तो हुआ है। तो भाई तू क्या चाह रहा है, बैलगाड़ी की तरह चलाऊँ उसको मैं? भाई स्कूटी मेरी मर्जी, कैसे चलाऊँगा यार मैं? कैसी बात कर रहा तू यार, अजीब बंदा है कौन भाई तू? हटी यार यहाँ से। अब बस भाई, एक्टिंग खत्म कर दिया। हेलो व्यूअर्स, दिस इज समर, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटॉर्क स्कूटी की जंग। कैसा लगा? सो गाइस, आप सभी का स्वागत है। भाई 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 भाई, सॉरी यार, एक्चुअली मैं इसकी बेइज्जती नहीं मार रहा था, पता है कि स्कूटी बहुत बढ़िया, कसम से बहुत लाजवाब है यार। लेकिन यार मतलब समझ रहे हो तुम, स्कूटी सही है लेकिन यार पहले से ही था, बेकार हो चुकी इसकी आज। बस बस बस, जिसकी एक्टिंग करने के लिए गया तो उसके पूरे रोल में ही आ गया भाई। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो मेरे पास बहुत सारी स्कूटी स्टार्ट हुई। सही हो गई? हाँ। अरे सही हो गई? हाँ। वाह भाई, अरे 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 अरे, अरे। ये तो गया। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ ये बात, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई, आप सबके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि यार एंटॉर्क का इंजन ख़राब है, एंटॉर्क का क्या मतलब, एंटॉर्क बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल पीती है, या फिर एंटॉर्क का इंजन सीज हो जाएगा अगर हम लॉन्ग राइड पर जाएंगे। तो आज उन्हीं सब क्वेश्चंस के हम कुछ आंसर करने वाले हैं। ऐसे बहुत बेकार एक्टिंग करी तुमने, सॉरी। हेलो गाइस, मैं आपको सीन समझाता हूँ पूरा का पूरा भाई। सबसे पहले तो जिसने इसके बारे में वीडियो बनाई है कि सीज हुआ इंजन और इंजन ऑयल कम हुआ, इंजन ऑयल का लेवल कम हुआ, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई उस चैनल पर आप जाओ और स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देखो, और एक बार ना अगर आपको एक स्टेबल पॉइंट मिल जाए ना कि हाँ भाई एंटॉर्क की तारीफ हो रही है या बुराई हो रही है, तो मुझे बताना। सबसे पहली वीडियो आई कि भाई एंटॉर्क की डिली, मतलब एंटॉर्क का वो था वीडियो थी, एंटॉर्क जो सबसे पहली वीडियो थी जब एंटॉर्क ली थी, उस टाइम तो भाई भरपूर पूरी अच्छे से तारीफ कर दी अच्छे से कि भाई एंटॉर्क बहुत अच्छी स्कूटी है, एंटॉर्क में कोई कमी नहीं है, एंटॉर्क मेरे लिए बनी है, एंटॉर्क से अच्छा स्कूटर कोई नहीं है भाई आज के टाइम में, वो सब वीडियो बन गई। उसके नेक्स्ट वीडियो आई, दो तीन वीडियो उसके बाद एक वीडियो आई जो भाई बहुत अच्छी खासी चली और जिसकी वजह से मेरे को एक वीडियो बनानी पड़ी अपने चैनल के ऊपर। वो वीडियो थी वाटर इन टैंक ऑफ एंटॉर्क, वो पानी वाला सीन था भाई। वो 11 मिनट की वीडियो है, अभी बोलता हूँ जाकर देखो, मुझे पता है आप सबको पता होगा कि इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो वाली वीडियो देखो, 11 मिनट की वीडियो और 7-8 हेड भरी हुई है भाई उसके ऊपर, कितना पैसा कमाएगा भाई तू। अब बात करता हूँ कि यार एंटॉर्क की, सॉरी भाई सॉरी, क्यों परेशान कर रहा है यार? अगर सिर्फ बात ही करता हूँ मैं एंटॉर्क की, तो भाई एंटॉर्क के ऊपर आपने मेरी वाली वीडियोज़ भी देखी हुई हैं। अदरवाइज अगर आपको एंटॉर्क के ऊपर शक है ना, तो मेरे राइडिंग ग्रुप में ही मतलब एक हैं दीपक भैया, जो कि अपने एंटॉर्क पे नेपाल राइड करके आ चुके हैं, नेपाल की राइड, और उनके एंटॉर्क 16,000 समथिंग चल चुकी है और अभी तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई केयर करना खुद के ऊपर होता है, ये नहीं है कि भाई आप ले गए किसी लॉन्ग राइड पर और आप भगा रहे हो उसको, आपको चलाना नहीं आता, चलाने वाली बात तो भूल ही जाओ, अभी चलाने के टॉपिक में लेके ही नहीं आ रहा आप सभी के सामने। और हाँ, मुझे पता है कि यार आप डिसलाइक करोगे इस चीज़ को कि यार तू कोई इतना वो नहीं है, अभी इतना मैच्योर नहीं है कि किसी को बोलेगा ये सारी चीज़ें, बट भाई रियलिटी धीरे धीरे सामने आएगी, वो आए भी या ना आए कुछ नहीं बताया उसका। भाई साहब किससे बोल रहा है?
कैमरा से बात कर रहा हूँ, कैमरा से यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, इस बारे में कि स्कूटी ख़राब नहीं, अच्छी है। हाँ भाई स्कूटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया यार कसम से। मैंने और स्कूटीज भी चला रखी है, लेकिन जो पिकअप ये देता है जिस तरीके से स्टार्ट होती है ना, जैसे चलती है बहुत बढ़िया कसम से, लाजवाब है यार गजब। नहीं यार तू एक चीज़ बता, स्कूटी सिटी राइड के लिए थोड़ी ना बनी है, तू स्कूटी खरीद और सीधा हाईवे पे ले जा। और पागल हो गया यार, नहीं स्कूटी खरीद और सीधा हाईवे पे ले जा, लॉन्ग राइड के लिए स्कूटी बनी हुई है, तुझे पता है वाली बात? तुझे नहीं पता यार, हद है, इतने टाइम स्कूटी चला तुझे पता ही नहीं वाली बात कि भाई लॉन्ग राइड के लिए बनी है स्कूटी यार। तू इससे लंबी लंबी राइड मार और फिर उसके बाद बेइज्जती मार यार इसकी, कि बहुत बेकार स्कूटी है। गाइस जो सबसे बड़ा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना, जो उसमें आ रहा है कि इसका एनटॉक का जो इंजन ऑयल है वो लेवल कम होता है, वो मेरे साथ भी हुआ था। अगर आप मेरी नैनीताल वाली वीडियोस देखोगे, उसके बाद जो मैंने थर्ड सर्विस की वीडियो बनाई वो वीडियोस देखोगे, तो उसमें मैंने बताया है कि हाँ मेरी स्कूटी का भी इंजन ऑयल कम हुआ था। और वो क्यों हुआ था? मेरी गलती की वजह से हुआ था। ऐसे अच्छी खासी स्पीड पे लेके गया था, उस टाइम तो नई नई स्कूटी थी, तो मंथ है 90-90 भगा के लेके जा रहा हूँ। इस तरह से टॉप स्पीड मांग लो आप, मान लो आप इसकी टॉप स्पीड पर मैं लेके गया हूँ, सर साफ सीधी बात है इवेपोरेशन इंजन के अंदर, इंजन ऑयल की इवेपोरेशन होती है, तो यार वो सारी बात है। और मिनरल ऑयल है यार, द्वारा तो स्टार्ट हो गया मिनरल ऑयल है यार, मिनरल ऑयल नॉर्मल ऑयल था उस टाइम पे, सिंथेटिक ऑयल नहीं था मेरी स्कूटी के अंदर, तो इस वजह से वो इवेपोरेट हुआ और वो भाई ठीक हो गया बहुत ज़्यादा। और हाँ मेरी स्कूटी खराब हो गया, चली गई, हो गया, अबे चीज़ हो गया। तो भाई बात बस 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 बस, इतनी एक्टिंग नहीं, इतनी एक्टिंग नहीं। तो भाई अपना जब अगर आप राइड पर जा रहे हो ना, तो पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कभी जाते हो, निकलते हो राइड के लिए, तो एक इंजन ऑयल है जो कि मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, वो यूज़ करो। अभी जब हम राइड पर जा रहे होते हैं ना, तो आप उसको कंपनी के हिसाब से नहीं चला सकते, क्योंकि कंपनी तो कभी बोलती नहीं लॉन्ग राइड पर आप स्कूटी से जाओ। अरे 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 लगा दिया स्टैंड। कंपनी आपको कभी नहीं कहती कि आप लॉन्ग राइड पर जाओ स्कूटी से या कोई ऐसी चीज़ से। तो भाई कंपनी जो है वो नॉर्मल सिटी राइड के हिसाब से आपको ऑयल ग्रेड वगैरह सारी चीज़ बताती है। एक ऑयल है मोट्यूल का 300V 10W40 ग्रेड का, अगर आप वो यूज़ करते हो तो इवेपोरेशन बहुत कम होगी। मतलब आपको टॉप अप तो करना ही पड़ेगा, देखो राइड के बीच में जब हम जाते हैं ना, तो टॉप अप तो करना ही करना पड़ेगा, बट इवेपोरेशन जो होती है ना, जो बहुत ज़्यादा ऑयल कम हो रहा है वो उससे थोड़ा कम होगा, मतलब समझ जाओ यार, ज़्यादा कम नहीं होगा, एकदम से इतना ज़्यादा कम नहीं होगा इंजन ऑयल, और आपका स्कूटर एकदम नॉर्मल चलेगा। और इवन जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी ना, जब इंजन ऑयल मेरे वाला बर्न हुआ था, जला हुआ निकला था इनफैक्ट, वो कम नहीं था, जल जाता है। अभी जो वीडियो है ना, थोड़ी सही से नहीं बनाई है जिस बंदे ने बनाई है, इसके इंजन ऑयल वाली बात पे, इंजन ऑयल जो था वो पतला नहीं, बहुत ठीक होकर निकलता है, और बहुत अजीब हालत हो गई होती है इंजन ऑयल की। तो मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं उस टाइम डरा था, फिर मेरे को समझ आया कि भाई लॉन्ग राइड पर ये चीज़ हो रही है, अगर मैं सिटी में चल रहा हूँ ना तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ऐसा। तो मैंने कुछ किया गया अभी नहीं, वो तो भाई एडिटिंग के टाइम दिख जाएगा मुझे, अब तेरे को लेना ही नहीं है, तू कुछ कुछ कर रहा है अभी जैसे। तो भाई साफ सीधी सी बात ये क्या, तो एनटॉक मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ आप सबको लेने के लिए, और मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा। और इवन जो कुछ लोग ना मतलब अब रिग्रेट कर रहे हैं ना खरीदने के बाद, एक उस बंदे की वीडियो की वजह से, तो रिग्रेट मत करो, आप नॉर्मल रहो, अपना चलाओ अपने एनटॉक को, सिटी में चलाओ जैसा मर्जी चलाओ, हो गया, और खुश रहो। हाँ भाई हो गया भाई, तो कुछ पॉइंट देना चाहते थे, इसे पूरा सीन नहीं पता अभी कम्प्लीटली क्या हुआ है, बट ये कुछ बताना चाहेगा भाई तू अपने हिसाब से? भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हाँ। कि किसी और की बात सुनकर एनटॉक को गलत मत कहना, खुद यूज़ करके देखना एक बार, उसके बाद देखना जो भी होता है, और ऐसे बंदे से सलाह लेना, ऐसे बंदे की नॉलेज लेना जो बंदा उसके बारे में सही मायने में जानता हो। हाँ। छोड़ भाई छोड़, अब बाकी तो आप समझदार ही हो, आपसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आपको और यूट्यूब चैनल्स पर बताया जा रहा है कि ख़राब है, सीज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है ना। गलत तरीके से अगर चाहो तो दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे बढ़िया चीज़ को भी यूज़ करोगे ना गलत तरीके से, तो वो भी ख़राब है, बेकार है, बकवास है, ठीक है? बहुत बड़ी बात बोली भाई इसने, बहुत बड़ी बात। चाहे कितनी भी लोकल चीज़ हो ना, अगर उसको संभाल के रखोगे, प्यार से रखोगे, जिस तरीके से जो उसके रूल्स हैं उन सबको फॉलो करोगे ना, ढंग से उसको इस्तेमाल करोगे, तो बहुत टाइम चलेगी यार, सालों साल चलेगी, ठीक है भाई? बाकी तो तुम समझ। बट यार एक छोटी सी बात और है, देख सब कुछ बता दिया मैंने, बट यार तुझे पता है कि अभी जो उस बंदे के चैनल के कुछ लोग हैं वो मेरे पास आकर जरूर ये बात बोलेंगे कि भाई वो बंदा पहले भी राइड कर चुका है बहुत लंबी लंबी, और अब वो ऐसा तो होगा नहीं कि एनटॉक को ज़बरदस्ती कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो वो भी सच बोल रहा है और मैं भी सच बोल रहा हूँ, तो अभी वो यार कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है यार, ऑडियंस की तरह से अगर हम सोचते हैं तो। भाई खुद इस्तेमाल करके देख लो, बात खत्म, बस डायरेक्टली बात यही आती है, आप खुद इस्तेमाल करके देखो। और क्या, वो वाली लाइन थी ना घड़ी डिटर्जेंट की, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बस वो याद आ गई। भाई तेरा चिल्ला टूट गया, वीडियो बंद कर जल्दी से, चिल्ला टूट गया इससे मेरा की रिंग तोड़ दिया है भाई। तो भाई साफ सीधा बात मैं आपको यही कहता हूँ कि प्लीज़ रिग्रेट मत करो कभी भी, कोई अगर आप चीज़ लेते हो ना, तो अगर आप खुद अपने मन से इन्जॉय करोगे ना उस चीज़ को, तब आप सबसे अच्छा बेस्ट निकाल पाओगे उस चीज़ का,
सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसे भाई बहुत सारे मॉडल्स थे, एक्टिवा आई आपने नाम सुना होगा, वो बहुत कम चला, पर जिनके पास है वो यार अब ये चीज़ सोचते रहेंगे, रिग्रेट करते रहेंगे कि हमने एक्टिवा आई ले ली, तो भाई यार क्या है, मक्खी परेशान कर रही है। एक्टिवा आई ले ली तो यार फिर वो जिंदगी भर यार एक्टिवा आई गाते रहेंगे, तो यार उन्हें अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो ठीक करी है और उसे इन्जॉय करना चाहिए उस चीज़ को। तो आप सबको भी यही सलाह देता हूँ मैं, इन्जॉय करो, आराम से अनटॉप को चलाओ, भगाओ, जो करना है करो। क्या कर रहा है तू? ठीक है भाई, जो बोलते हैं भाई ने। अरे यार पीछे से हरकतें करे जा रहा है, इग्नोर करना है इसको, इग्नोर करना। मुझे इग्नोर कर रहा है तो कैमरा का मेरी तरफ शक्ल क्यों बना रहा है? कैमरा फेस मेरी तरफ क्यों कर रहा है? तो भाई बस छोटी यार, पर बहुत बार एक चीज़ को बार बार रिपीट कर दिया है। और पता है अगर आप चाहते हो इन डेप्थ में अगर इस चीज़ के ऊपर बात करोगे तो थोड़ा थोड़ा फन में ले लिया स्टार्टिंग में हमने, और सारी चीज़ मज़े में लेके जाऊँगा। अगर आप इन डेप्थ में बिल्कुल सीरियस वाली वीडियो चाहते हो ना तो मैं वो भी बनाऊंगा, और आगे भी मतलब मैं अगर राइड पे जाता हूं दिखाऊंगा आपको कि भाई मेरा इंजन ऑयल कितना एवेपोरेट हो रहा है और कितना इंजन ऑयल खत्म हो रहा है, क्या डालना चाहिए, क्या कर रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद आप सबको सब बताऊंगा। तो भाई बस एंड करें वीडियो को, आज की व्लॉग इतनी ही, और चलते हैं, कीप स्माइलिंग। अच्छा क्या क्या करना है वीडियो को? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है? और अगर वीडियो देखो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है ना आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब मुझे पता है बहुत सारे डिसलाइक आने वाले हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं, और मैं साफ सीधा मेरा जो ओपिनियन था ना मैंने अपना शेयर कर दिया है। और अगर आप चाहते हो ना मैं अपने एनटॉक का जो ग्रुप है ना, मेरा एनटॉक वाला ग्रुप है, मैं उसको बुलाकर आपके सब कुछ प्रूव करवा सकता हूँ कि भाई वो बंदा हमारे साथ है जिसने नेपाल राइड करी है और हम सब एनटॉक चला रहे हैं, हमें क्या एक्सपीरियंस है हमारी एनटॉक के साथ, समझ गए ना आप सब? तो चलो वीडियो यहीं एंड करते हैं, बाय बाय बाय। अरे पैदल लेके आप स्टार्ट कर दी वीडियो मैंने।